कौन सबसे बड़ा ये राज अब जाके खुला है, ईश्वर अल्लाह सब बंद हैं, सिर्फ राशन की दुकान खुला है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खास खबर में। ये खास खबर इसलिए कि लगातार एक ही बात आपके जहन में घूम रही होगी, और वो बात है कि आखिर आपके परिजन जो बाहर कमाने के लिए गए हैं वो किस हाल में हैं, आपसे सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो बाहर में कमाने गए हैं उन्हें चिंता है कि क्या हमारे घर वाले स्वस्थ हैं, खाना मिल रहा है, पैसा तो हम भेज नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे उनका धर्म कर्म चल रहा होगा, कैसे रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा होगा। इस बीच में आप जिसको सबसे ज़्यादा मजबूत समझते थे, जिस पर आपकी आस्था थी, वो भगवान का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी बंद हैं। खुला अगर कुछ है तो राशन की दुकान खुला है। सरकारी गल्ले की दुकान पर लोगों की भीड़ है, कोई राशन कार्ड लेकर के पहुंच रहा है, और किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो सरकार का मुंह देख रहा है कि हमें राशन कैसे मिलेगा। सरकार ने घोषणाएं भी कर दी हैं, हमने खबरों के माध्यम से कई बार आपको दिखलाया है कि राशन के लिए सरकार ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तहार दे दिए हैं। सरकार के मुलाजिम जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, जनप्रतिनिधि जो छोटे स्तर के हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो पूछ तो कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और मिल रहा है, लोगों की व्यस्तता बढ़ गई है, कई सामाजिक संगठन बाहर निकले हैं। इस बीच में एक खबर बहुत ज़्यादा लगातार भारत लाइव के पास जो लोगों की पूछताछ और लोग जो हमसे बातें कर रहे हैं उसके आधार पर जो आ रही हैं, वो निश्चित रूप से सवाल लेकर के खड़ी है। लोग सवाल पूछ भी रहे हैं, और सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आज से 6-7 महीना पहले हमने एक सरकार चुन करके भेजा था, और बड़ी भरोसे के साथ भेजा था, जिसमें नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे, और उन्होंने खुल करके कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार में बिहार को वेनिश बना देंगे। ऐसा लगता है कि बिहार जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह की स्थिति है, कोरोना संकट से लोग जूझ रहे हैं, बाहर फंसे लोगों की जो दिनचर्या गुजर रही है, दुख तकलीफ की जो खबरें आ रही हैं, उसमें वैनिश बने चाहे नहीं बने, वैनिश जो लोग जरूर हो जाएंगे, गायब जिसको कहते हैं। लगातार छोटी बड़ी बातें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव के माध्यम से 7 बजे शाम में हम आते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की समस्याएं हम सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी आपके साथ साझा करते हैं। सरकार से जुड़े और तंत्र से जुड़े कई दल के लोगों से हमने लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने हिम्मत भी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी से अब तक सिर्फ एक शख्स हमारे सामने आए, लेकिन और भी जदयू से भी हमने लगातार बात करने का प्रयास किया। नीरज कुमार जी ने इंटरव्यू में अपनी बातें रखी, उन्होंने आंकड़े बताए, अंजुम आरा हमारे साथ बात की, लेकिन लगातार जो हम बातें कर रहे हैं उन बातों में कहीं ना कहीं एक पेंच फंसा हुआ है, और सभी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे 40 एमपी कहाँ हैं, किस जगह छुपे हुए हैं, क्यों उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। इसमें से भी कुछ लोग फ़ोन उठा रहे हैं, जैसे आपको याद होगा कि हमने रामकृपाल यादव से बात किया था, हमने अश्विनी चौबे से भी बात किया था, लेकिन अश्विनी चौबे की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। रामकृपाल यादव के पास कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और लगातार लोगों की अपने क्षेत्र में खास करके वो सहायता करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जैसी सूचनाएं और जो खबरें हमारे पास आई हैं, लोगों ने भी इस बात को कहा है कि नहीं, उनके पास बात हो जाने के बाद हमें सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बाकी के जो सांसद हैं उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, सब जगह से शिकायतें यही आ रही हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव, उनकी टीम से हमारा तात्पर्य सिर्फ राजद नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, उनकी टीम से हमारा तात्पर्य वो सभी महागठबंधन के दल हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे मदन मोहन झा की बात आप कर लें, कांग्रेस
की बात कर लें, वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। आप अगर बात करते हैं आरएलएसपी की, तो आपने देखा होगा कि माधव आनंद, खुद उपेंद्र कुशवाहा, अभिषेक झा और भी कई नेता बाहर निकल करके लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, जिसको जहां जितना सक्षम हो रहे हैं उतना काम कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो हमने लगातार आपको बात कराया है, राजीव मिश्रा जी सामने आए हैं और कई बार उन्होंने हमारे लाइव में आकर के लोगों की मदद करने का दावा किया और वादा किया है, कई लोगों की मदद हुई भी है। आज भी उन्होंने सुबह हमसे फ़ोन करके बात किया था, जो कल लाइव में है। हमने जो नंबर उनको दिया था उस नंबर पे मकान मालिक का नंबर है, जिनसे बात हमारी हुई थी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, उस पते पे वो दिल्ली पहुंच भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई जो आपके सामने पब्लिक डोमेन में है, यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन बार बार प्रश्न वही आ रहा है कि ये 40 के 40 एमपी कहाँ हैं, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ये सारे लोग पूरी तरह से नदारद दिख रहे हैं। हर किसी के फोन में आप देखिएगा कि जो भी फोन करने वाला व्यक्ति है वो यही कहता है कि इनका फोन नहीं लग रहा है। अगर किसी ने फोन उठा भी लिया गलती से तो फिर दोबारा वो फोन उठाने की जहमत नहीं लेता है या फिर उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। हमने एक सुझाव दिया था नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी, जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही हमने ये भी कहा था कि जो आपके मंत्री हैं, हम बीजेपी के मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग जो नीतीश कुमार के मंत्रालय में 15 के आसपास मंत्री हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या उन लोगों की जिम्मेवारी जवाबदेही आप कागज़ तक ही सीमित रखेंगे? उन्हें जिम्मेवारी आप दे करके भारतीय जनता पार्टी से दो कदम आगे बढ़ सकते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ क्यों देखते आ रहे हैं? आपका अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के पास और सारे राज्य हैं, अगर एक बिहार नहीं भी उनके पास रहेगा तो बहुत कुछ नहीं होगा। 2013 से लेकर के 2017 तक उनके पास बिहार नहीं था, आप बिहार के मुखिया थे। 2013 के बाद 2015 में जब चुनाव हुआ, आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, तब भी बिहार की जनता ने आपको पसंद किया था। चाहे उसी लालू यादव के पास आप चले गए थे, जिस लालू यादव को आपने क्या क्या नहीं कहा था, फिर भी बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया था और 2015 में पुनः आपको गद्दी पर बैठाया था। अगर आपने 2017 में फिर उसी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का निर्णय लिया, तब भी बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया था और आपके पीछे पीछे खड़ी रही। आपने 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा, तो बिहार की जनता ने आपको 39 का 39 सीट दिया, 16 सीट आपके भी हैं। इन 16 और आपके 15 को मिला दिया, जो उतने राज्य भी नहीं हैं जहां अगर आप चाहें, अभी तो राज्यसभा और एमएलसी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, अगर इन लोगों को भी एक एक राज्य दे दें और ये बता दें कि आप 50 लाख जो हमको दे रहे हैं वो मत दीजिए, 50 दिन की बात है, 1 लाख रुपया अगर खर्च करें पर दे, तो मैं सोचता हूं कि हर राज्य में कहीं ना कहीं लोगों के भूख का समाधान हो जाएगा। आप 50 लाख रुपया अपने राहत कोष में मंगाएं ये अलग बात है, लेकिन क्या इन्हीं 50 लाख रुपये से वास्तव में रियल में उन राज्यों में जाकर के उन राज्यों में व्यवस्था नहीं कराई जा सकती थी इन बिहारियों को भोजन करने का? आप एक तरफ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात सुन करके, उसके पीछे पीछे चल के, उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करके आप कहते हैं कि बिहार के लोग जो जहां हैं वहीं रहें, आपका समर्थन भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था क्या की है उन लोगों के लिए? आप कभी उन लोगों का क्रंदन रुदन और जो टूटते हौसले हैं वो सुना है आपने? हम चाहेंगे कि एक बार भारत लाइव आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जो आपसे सीधे मुखातिब हैं। ऐसी स्थिति में आपके लोग भी बाहर नहीं आते हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम माध्यम से भारत लाइव के और फोन करके भी हम लगातार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लाइव में आइए और लोगों को संतुष्टि दीजिए। नीतीश कुमार जी, आपने हमारी बात को मानते हुए आकर के सामने धैर्य तो जरूर बंधाया है, हिम्मत जरूर बंधाई है, लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी बातें मानने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 39 सांसदों को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकती है?
राजकुमार सिंह का, आरके सिंह का आपने सुना कि किस तरह से वो लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लोग उनके पास संपर्क करने जा रहे हैं, कई लोगों का फोन कॉल्स भी हमने आपको सुनाया। ये बातें सिर्फ भारत लाइव तक सीमित नहीं है, कई आपके पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं से, मंत्रियों तक से हमने ये बातें कही हैं। एक बार फिर से जरूरत है इन सब पर कड़ा एक्शन लेने का, क्योंकि अभी समय है, अभी लगभग 2 सप्ताह समय है इस लॉकडाउन को टूटने में, या हो सकता है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि बीमार और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक निश्चित रूप से लोगों के मन में संशय जरूर है, और ये लोग संशय में कहीं ऐसा नहीं कि आपका साथ छोड़ दें। राजनीतिक रूप से आपको बने रहने के लिए, और जो वादा आपने किया है, जो हमारे संविधान की आयतें हैं, रियायत है, जो प्रस्तावना है लोगों के लिए, आपने भी शपथ लिया होगा जब आप मंत्रालय मंत्री का, मुख्यमंत्री का और भी मंत्रालय का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो आपने भी ओथ लिया होगा, आपने भी शपथ लिया होगा। वो शपथ एक बार याद कर लीजिए, क्या बिहार के लोगों के साथ जो आप कर रहे हैं उतना काफ़ी है? अगर आपको लगता है कि काफ़ी है तो शायद आप ठीक सोच रहे होंगे, पर जो हमारे नज़रिए से, जो लोगों के नज़रिए से बातें सामने आ रही हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। आपने जो आंकड़े दिए हैं उस आंकड़ों से भी हमारा कोई, हम उस पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल आपके आंकड़े मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है वो भी वो लोग हैं जो जगह पर, ज़मीन पर और स्थिति पर अपने आप को खड़ा रखे हुए हैं, अपने आप को लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, भूख में भी। फर्ज बनता है हम सभी का कि हम उनके लिए करें, हम अपने स्तर से जितना हो सके उतना करने के लिए तैयार हैं, हम अपने पत्रकारिता धर्म का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह जरूर हम करेंगे कि अभी भी वक्त है, वक्त के साथ चलना होगा, और 40 के 40, या फिर आप अगर मानते हैं कि एक को छोड़ दिया तो 39 आपके सांसद हैं, लगभग दोनों के मिला करके बिहार, और बिहार के कम से कम 4-5 मंत्री हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी बहुत कुछ बाकी है। बिहार में भी मंत्रालय देखने वाले 14-15 लोग हैं। इन सभी लोगों को सिर्फ इस काम में यदि आप लगा दें कि हर राज्य एक एक आदमी को अलॉट कर दें, और जैसे आप मॉनिटरिंग करें, मॉनिटरिंग करते रहें कि कोई भी व्यक्ति अगर भूखा हो, उसे सुविधा नहीं मिल रही हो, तो वो सीधे आपसे संपर्क करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी मॉनिटरिंग कर लें, हम लोगों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उस पर आप ध्यान दे दें, तो निश्चित रूप से बिहार के लोग भूख से तो नहीं मरेंगे, इतना गारंटी है। ऐसी स्थिति में अगर लोग आपसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि लोग यूं ही नहीं किसी को खोजते। टीम तेजस्वी पूरी तरह से अपना अपना नंबर जारी कर दिया है, और जिलाध्यक्षों के साथ साथ कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर नंबर जारी किए हैं। कांग्रेस के लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हो रही हैं। मदन मोहन झा ने तो अपने नाम नहीं लेने के शर्त पर बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मुहैया कराई हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सरकार हमें करने नहीं दे रही है, हमें रोक दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, एक तो कोरोना का लॉकडाउन, और दूसरे बिना योजना बनाए हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सबको एक शब्द में कह दिया कि आपको अपने घरों में कैद रहना है, लोगों ने तो बात मान लिया, अब सरकार का समय आ गया है आगे बढ़कर के, सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो, दोनों का फर्ज बनता है कि उन लोगों को भूखा नहीं सोने दें। आज इस खास खबर में हम यहीं विराम देते हैं, 7:00 आपसे मुलाकात पुनः होगी, हम लाइव रहेंगे। अगर सत्ताधारी दल के कोई भी नेता, मंत्री, प्रवक्ता या शुभचिंतक, कार्यकर्ता
को लगता है कि वो लोगों को आकर सामने से फ्रंट से लीड कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारी आंकड़ों में कोई कमी है, या हम जो बातें कह रहे हैं उसके अलावे उनके पास कोई जानकारी हो, तो आप आइए, आपका स्वागत हम करेंगे लाइव में, क्योंकि सैकड़ों फ़ोन कॉल्स उस बीच में आते हैं, हम बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी हम भी नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जवाब सबका हम देते हैं। हमारी पूरी टीम, 4-5 लोगों की टीम सिर्फ फ़ोन कॉल्स का जवाब देती है। मिलते हैं शाम 7 बजे, हम आप अगर कहीं फंसे हुए तो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप विपक्ष में हैं तो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप अगर सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो भी फ़ोन कर सकते हैं, आप अगर किसी तरह से कोई हेल्प करना चाहते हैं, चाहे सरकार को या फिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग, हमसे कोई भी जुड़ सकता है। लाइव 7 बजे से हम शुरू करेंगे और तब हम इंतज़ार करेंगे, आपका स्वागत करेंगे कि आप इस कोरोना महामारी में इसे हराने के लिए जो भी आपके पास युक्ति, सुझाव या हौसला हो, या फिर सहारा देने का आप में हिम्मत हो, लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, तो आइए ना, हम आपका स्वागत करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।